जहाँ देश में एक रूलिंग पार्टी है जो अपना वर्चस्व पूरे दुनिया में फैलाना चाह रही है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी पा रही है, वहाँ एक ऐसी पार्टी है जो काफ़ी साल राज्य करने के बावजूद भी अपने आंतरिक विवादों को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। दुविधा कहें या समय की मार कहें, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आर्टिकल 370 हटाए जाने का सपोर्ट करते हुए सुना था। उससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, कांग्रेस एक तरह से आर्टिकल 370 के विरोध में खड़े होने वाले लोग अलग हो गए और उसको सपोर्ट करने वाले लोग अलग हो गए। तो कांग्रेस के अंदर जो ये आंतरिक कलह है ये हमेशा ऐसे रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे शशि थरूर के बारे में। दरअसल शशि थरूर का कहना है ये कि अगर आप जानते हैं उन्हें तो आप ये भी बात जानते होंगे कि 6 साल से वो बस यही बात बोलते आ रहे हैं कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही डिसीज़न लेते हैं वहाँ पे उनकी तारीफ करने की ज़रूरत है। शशि थरूर का कहना है कि जब सही डिसीजंस में तारीफ होती है तब क्रिटिसिज्म को भी वैल्यू दिया जाता है और उसको यूनिक समझा जाता है, ना कि केवल क्रिटिसिज्म को एक पॉलिटिकल काउंटर की तरह देखा जाता है। शशि थरूर का कहना एकदम सही है, लेकिन इस पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने इस बयान को शायद अच्छे ढंग से नहीं लिया है। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने शशि थरूर के बयान का जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के आला कमान को तक यह बात पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि शशि थरूर का जो यह बयान है यह ऐसे समय में आया है जहां पे 2 कांग्रेस के नेता पहले ही प्रधानमंत्री को खलनायक बताने की जो आइडियोलॉजी है उसको गलत बता चुके हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था कि पीएम मोदी की जो खलनायक वाली इमेज बनाना और उनके काम को सपोर्ट करना ये दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। इससे पहले जयराम रमेश ने यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को खलनायक की तरह पेश किया जाएगा और उनके काम का महत्व नहीं स्वीकारा जाएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस नुकसान होगा। शशि थरूर को उनके बयान के लेकर जितना घसीटा जा रहा है उतनी आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस का जो मतभेद है अंदर वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अब डिवाइडेड आइडियोलॉजी सेम स्तर पे साफ दिखने लग गई हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से साफ साफ विजिबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और हमारा चैनल देखते रहिएगा।